वेलकम टू पवन बाग अकेडमी। आशा है स्टूडेंट्स आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। एज यू नो स्टूडेंट, हम लोग का क्लास 11th का चैप्टर स्केलेटन और मूवमेंट वाला कंटिन्यू में है। लास्ट में भी आप लोगों को जो हम लोग की लेग्स की बोन होती है टीबिया एंड फाइबुला, ये मैंने बता दिया था, और इसी से आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं और इसको और ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले जो बोन होती है एंड लोअर एंड आर्टिकुलेट्स विद टैलस एंड टैक्सल बोन। और जो लोअर एंड होता है नीचे जाके एकदम होता है एडी, राइट। तो हमारी बोन जो प्रेजेंट होती है वो थे टैलस एंड टैक्सल बोन। यहां पे देखिए, दिस वन इज टैलस एंड दिस वन इज टैक्सल। एडी बोलते हैं ना, बोन ही तो होती है, कौन सी? टैलस और टैक्सल। के बाद होती है यहां पर फाइबुला, लॉन्ग होती है, स्लेंडर बोन होती है और टीबिया के जस्ट पीछे बैक साइड में। अब आ जाते हैं टैक्सल पे। दीज आर द बोन्स ऑफ एंकल, एंकल की बोन्स होती हैं। थ्री टैक्सल्स आर अरेंज्ड इन अ थ्री रो। यहाँ पर थ्री टैक्सल्स बोन होती हैं जो तीन रो में प्रेजेंट रहती हैं। टू प्रॉक्सिमल, वन इंटरमीडिएट एंड फोर डिस्टल्स। टू प्रॉक्सिमल में है अपने बिल्कुल स्टार्टिंग वाले पार्ट में, एक बीच में प्रेजेंट होती है, चार नीचे की साइड प्रेजेंट होती है। उसके बाद आ जाता है मेटाटार्सल। मेटाटार्सल बोन सपोर्ट द सोल रीजन ऑफ द फुट। हमारा नीचे फुट होता है, तलवा जैसे बोलते हैं हिंदी में, तो फुट में पांच मेटाटार्सल बोन प्रेजेंट होती है जो हमारे पूरे सोल को सपोर्ट करती है। प्रॉक्सिमली दे अटैच विद डिस्टल रो ऑफ टार्सल। यहाँ पे जो मेटाटार्सल है, जो मेटाटार्सल की लास्ट जो फोर बोन्स होती है डिस्टल वे में, डिस्टल में बिल्कुल नीचे की साइड, ये मेटाटार्सल उसी डिस्टल रो ऑफ टार्सल से अटैच होती है। डिस्टली मेटाटार्सल आर्टिकुलेट विद फैलेंजेस। उसके बाद मेटाटार्सल के बाद फैलेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। फैलेंजेस मतलब जो उंगलियों वाला पोर्शन होता है। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ जॉइंट्स पे। हम लोगों ने स्केलेटन तो सारा पढ़ लिया कि हमारी बॉडी में कौन कौन सी बोन्स प्रेजेंट होती है, कौन सा स्ट्रक्चर बना रही है। अब आ जाते हैं जॉइंट्स पर, क्योंकि बोन्स प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, जॉइंट्स भी होंगे क्योंकि बोन्स एक दूसरे से कनेक्टेड है जॉइंट्स में। यू हैव स्टडीड अबाउट जॉइंट्स इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड। आप लोगों ने थोड़ा सा तो पढ़ा ही होगा 8th में, 9th में, 10th में कि जॉइंट्स क्या होते हैं, कि जब दो बोन्स हमारी क्या होती हैं, जॉइंट होती हैं और वहां से हमारे बॉडी पार्ट्स को मूवमेंट अलाउ करती है, राइट। विदाउट जॉइंट वेरियस मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी वुड इट बी पॉसिबल। अ पॉइंट वेयर टू और मोर बोन्स गेट आर्टिकुलेटेड इज कॉल्ड and the study of joint is called arthrology. Joints की study को हम लोग क्या बोलते हैं? Arthrology. Tough bones are rigid. जो tough bones होती हैं, rigid होती हैं. And the ligament that covers the bones. और bones के ऊपर एक covering होती है ligaments की, जो कि हमारे flexibility provide करते हैं bones. Bones हमारी बहुत ज़्यादा hard होती हैं, अपने आप movement नहीं कर सकती. तो इसीलिए bones के ऊपर जो हमारी layer होती है, covering होती है ligaments की, क्या करती है हमारे जॉइंट्स को मूव करना, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी करती है। जॉइंट्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी और द मूवमेंट दे परमिट इनटू थ्री टाइप्स। हमारे जो जॉइंट्स होती हैं हमारे डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाइड है, और किसके बेसिस पर, कि फ्लेक्सिबल कितने हैं प्लस किस डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ कर रहे हैं। जॉइंट्स हमारे किस जगह पर कितने फ्लेक्सिबल है और हमारे बॉडी पार्ट्स को किस डायरेक्शन में मूवमेंट परमिट करते हैं, उसके बेसिस पर हमारे तीन टाइप के होते हैं। एक होता है फाइब्रस जॉइंट्स, व्हिच इज आल्सो नोन एज साइनोट्रोसोसिस, एक मूवेबल जॉइंट है। एक होता है कार्टिलेजियस और स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, इसको हम लोग एम्फिरोसोसिस बोलते हैं। लास्ट होता है साइनोवियल ऑफ्रीडी मूवेबल और डायरोट्रोसिस टाइप ऑफ जॉइंट। यहाँ पे इसके अदर नेम भी है, सिंपल की बात करें तो एक आपका फाइब्रस जॉइंट, एक आपका कार्टिलेजियस जॉइंट, एक होता है आपका
साइनोवियल या फ्रीली मूवेबल, अदर नाम तो आपको याद करने हैं वो आप याद करिए. एंड द डिग्री ऑफ मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी इज सो एप्ट एंड वी मस्ट ऑल गो अप्रिशिएट द डिजाइन ऑफ बॉडी. और यहाँ पे जितने भी जॉइंट्स हैं कुछ ना कुछ कुछ डिग्री तक तो मूवमेंट अलाउड करते ही करते हैं हमारी बॉडी पार्ट में. कोई ज्यादा मूवमेंट अलाउड करता है, कोई जॉइंट कम अलाउ करता है, तो हमें अपनी बॉडी को ना अप्रिशिएट करना चाहिए, इतनी अच्छी बॉडी है हमारे पास. सबसे पहले फर्स्ट जॉइंट से स्टार्टिंग करते हैं साइनोट्रोसिस मूवमेंट. इन दिस जॉइंट द आर्टिकुलेटिंग बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय मींस ऑफ फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू. इन जॉइंट्स में यहाँ पर जो जॉइंट्स होते हैं दो बोन्स एक दूसरे से फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्टेड होती है. आर्टिकुलेट का मतलब जॉइंट होती है. एंड बोन्स डू नॉट एग्जिबिट मूवमेंट, ये इनके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं हो सकता. एज इट इज इमूवेबल और फिक्स टाइप ऑफ जॉइंट, तो कह सकते हैं तरीके से इमूवेबल है, फिक्स टाइप है. फाइबरस जॉइंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू सेट्रस, साइनोपोसिस एंड कॉम्फोसिस. फाइबरस जॉइंट भी हमारा अदर तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. एक है आपका सूचर्स, साइनोपोसिस एंड कॉम्फोसिस. सबसे पहले सूचर्स वाले पर आ जाते हैं. ये वाला जो होता है ये हमारा स्पेशली स्कल में प्रेजेंट होता है, ये चीज मैं बता देती हूँ. जो सूचर्स वाला है ये हमारे स्कल में प्रेजेंट रहता है. इट इज कम्पोज ऑफ थिन लेयर ऑफ डेंस फाइबर कनेक्टिव टिश्यू, और ये हमारा थिन डेंस फाइबर कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है. सूचर्स आर प्लेसेस ऑफ ग्रोथ, एक तरीके से बोल सकते हैं सूचर्स हमारा क्या है, ग्रोथ का प्लेस है. दे रिमेन ओपन टिल ग्रोथ इज कम्प्लीट, हमेशा ओपन रहता है. ये वाला जो जॉइंट है कभी क्लोज नहीं होता, ये हमेशा ओपन रहता है जब तक हमारी ग्रोथ कम्प्लीट नहीं हो जाती है. जैसे ही हम लोगों की ग्रोथ कम्प्लीट हो जाएगी ये अपना फिक्स हो जाता है. एज फ्यूचर्स में परफेक्ट सम बाउंडिंग ड्यूरिंग चाइल्डहुड, क्योंकि जब बचपन में बच्चे छोटे होते हैं तो आपने देखा ना बच्चों से कहा जाता है, मतलब कहा जाता है कि बच्चों को ज्यादा तेज मत पकड़िए, राइट, गिरना नहीं चाहिए, एक डायरेक्शन में मत चलाइए. क्यों? क्योंकि उसके स्कल में कौन सा जॉइंट प्रेजेंट है, फ्यूचर्स जॉइंट प्रेजेंट है, क्योंकि ओपन होते हैं, क्योंकि वो ग्रो कर रहा है. बच्चा क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है. तो उस टाइमिंग पर जो फ्यूचर्स जॉइंट होते हैं होते ओपन, और हम उनको पकड़ेंगे उसके सर से कैसे भी पकड़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि जो बोन्स की डायरेक्शन है वो चेंज हो सकती है. इसीलिए वो जैसा उसकी ग्रोथ हो रही है स्कल की वैसे होनी देनी चाहिए, कुछ भी हमने उसमें चेंजेस या कसके नहीं पकड़ना चाहिए. और जैसे ही उसकी ग्रोथ कंप्लीट हो जाएगी 18 साल में 20 साल में ये सूचर्स अपने आप ही क्लोज हो जाएंगे. अब सूचर्स भी हमारे डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाइड है. एक होता है बर्ट जॉइंट जो कि स्क्वायर एजेस होती है, टू नेसल बोन्स को कनेक्ट करता है. एक होता है स्कार्फ जॉइंट, टैपिंग का काम होता है, वेरियस स्कल बोन्स की जॉइन करता है. एक होता है लैप जॉइंट, ओवरलैपिंग करता है, टेम्पोरल और पैरिटल बोन को जॉइन करता है. एक होता है सैरेट जॉइंट जो कि हमारा इरेगुलर इंटरलॉकिंग है, वेरियस स्कल बोन्स को हमारे कनेक्ट करता है. इसके बाद आ जाता है हमका साइनोपोसिस. इट इज प्रेजेंट वेयर देयर इज अ ग्रेटर डिस्टेंस बिटवीन आर्टिकुलेटिंग बोन्स. ये जॉइंट वहां प्रेजेंट होता है जहां पर दो बोन्स के बीच में ज्यादा डिस्टेंस होता है. जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, जैसे कि हमारी हाथ में होता है ना उल्ना और रेडियस के बीच में, और पैर में टीबिया और फाइब्रा के बीच में. एट सच लोकेशंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू इज अरेंज्ड एज अ शीट और अ बंडल. इस जगह पर जहाँ पर हम लोग ये साइनोपोसिस जॉइंट्स होते हैं वहां पर हम उन दोनों बोन्स के बीच में फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज एज अ शीट और बंडल की फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं. And distal tibiofibular ligament inter-esophageal membrane between tibia and fibula and then between radius and ulna. जैसे कि हमने देखा था यहाँ पर कि जो हमारी radius और ulna है या फिर tibia या फिर fibula है, इनके बीच में present रहती है ना inter-esophageal ligaments की रहती है, और इन्हीं inter-esophageal ligaments के बीच में present रहती है हमारे syndromous joint. किसकी sheet में? Bundles की sheet. फिर बंडल्स
In this type of joint, a cone-shaped bone fits into a socket provided by other bone. Bonephrosis में क्या होता है कि यहाँ पर जो एक bone है वो अंदर से cone की shape में होगी और जो दूसरी bone है वो इस तरीके से इस cone वाली shape में fit हो रही होगी, जिसे बोलते हैं socket. Socket बोलते हैं. यहाँ पर आपको diagram भी दिखाई दे रहा होगा. यहाँ पे देखिए ये पूरा क्या है, इस तरीके से ये टूथ का रूट होता है, सभी लोगों को पता ही है टूथ का रूट होता है, इस तरीके से डायग्राम होता है और यहाँ पर ये दांत प्रेजेंट है. ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, सॉकेट बन रहा है. इसी जॉइंट को हम लोग बोलते हैं कॉम्फोसिस. और नीचे पेरिडोंटल लिगामेंट की प्रेजेंस होती है. तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है टूथ और जॉ बोन्स का, जिसमें कोन की शेप्ड में जो बोन है दूसरे सॉकेट में क्या होती है, फिट हो जाती है. दूसरा आता है हम लोगों का कार्टिलेनियस मूवेबल जॉइंट. ठीक, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज एम्फियोथ्रोसिस, इसको हम लोग एम्फियोथ्रोसिस भी कहते हैं. दीज जॉइंट्स आर नाइदर फिक्स्ड नॉर फ्रीली मूवेबल, ये मतलब जो जॉइंट्स हैं ना तो पूरी तरीके से फिक्स है ना ही हम कह सकते हैं पूरी तरीके से फ्रीली मूवेबल. दीज बोन्स आर हेल्ड टूगेदर बाय अ हायलिन और फाइब्रोकार्टिलेज, हायलिन टिश्यू होता है. तो इन दोनों में जो बोन्स एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, जॉइंट होती है, हायलिन टिश्यू यानी कि फाइब्रोकार्टिलेज टिश्यू से होती है. इनको भी फर्दर कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है. सबसे पहला है यहाँ पर सिंक्रोडोसिस, सबसे पहला सिंक्रोडोसिस है. द टू बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हायलिन कार्टिलेज, इसमें दो बोन्स एक दूसरे से हायलिन कार्टिलेज टिश्यू से जॉइंट होती है. ये भी हमारे ग्रोथ के लिए होते हैं. जैसे ही यहाँ पर इनकी ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है ये जॉइंट्स एक दूसरे से फिक्स्ड हो जाते हैं. एग्जांपल में एपिफाइसियल प्लेट फॉर्म बिटवीन एपिफाइसिस एंड डायफिसिस ऑफ अ लॉन्ग बोन रिब स्टर्नम जंक्शन. यहाँ पे देखिए एपिफाइसियल प्लेट प्रेजेंट है, यहाँ पर ये एपिफाइसिस है, यहाँ पर भी एपिफाइसिस है और ये एपिफाइसियल प्लेट है, नीचे डायफिसिस है. तो इनके बीच में जो हम लोग का जॉइंट प्रेजेंट होगा हायलिन कार्टिलेज का वो कौन सा होगा, भी हमारी लॉन्ग बोन्स होती हैं और लॉन्ग बोन्स में जो हम लोग की जॉइंट्स होते हैं वो जैसे रिब्स थी, यहाँ पर रिब्स का स्टार्टिंग वाला पार्ट था, एंडिंग वाला पार्ट था, इस तरीके से तो कौन से जॉइंट्स अटैच थे, सिंक्रोनोसिस से अटैच थे. उसके बाद इसमें नेक्स्ट आता है यहाँ पर सिम्फाइसिस वाला. इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट ब्रॉड फ्लैट डिस्क ऑफ फिब्रोकार्टिलेज कनेक्ट. यहाँ पर क्या होते हैं ये जो इस जॉइंट में जो हम लोगों की ब्रॉड और फ्लैट डिस्क फिब्रियोकार्टिलेज की बनी हुई जो बोन्स को जॉइंट करती है. दीज अकर इन द मिडलाइन ऑफ द बॉडी, ये हमारी बॉडी के मिडलाइन में प्रेजेंट होते हैं. वन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज इनवर्टिब्रल डिस्क, हमारी इनवर्टिब्रल डिस्क होती है ये इसका एग्जांपल. थर्ड टाइप के होते हैं हम लोगों के साइनोवियल जॉइंट्स जो कि कनेक्टेड होते हैं जॉइंट्स के बीच में कुछ स्पेस प्रेजेंट रहता है जिसको हम बोलते हैं साइनोवियल कैविटी. और ये स्पेस क्या है, उन दोनों जो हमारी बोन्स हैं उनमें फ्री मूवमेंट अलाउ करता है. आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस ऑफ बोन्स एट अ साइनोवियल जॉइंट आर कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ हायलिन कार्टिलेज, और यहाँ पे जो दोनों बोन्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है उनके ऊपर किसकी कवरिंग होगी, हायलिन कार्टिलेज की कवरिंग होगी. बट बोन्स Do not touch to each other. और इसमें जो bones हैं एक दूसरे से touch नहीं करती हैं और जब touch नहीं करेंगी तो fixed नहीं हो सकती. Reduces friction during movement. इनमें कभी भी friction नहीं आ सकता क्योंकि एक दूसरे से connected ही नहीं है. इनका best जो काम होता है to absorb shock. And synovial cavity is lined by a synovial membrane that forms synovial capsule. अब यहाँ पे synovial cavity हम देखें ये पूरी साइनोवियल कैविटी प्रेजेंट है यहाँ पर. अब इस साइनोवियल कैविटी के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन की कवरिंग है, उस मेम्ब्रेन का नाम है साइनोवियल मेम्ब्रेन,
जो पूरा मिला के एक कैप्सूल बना देती है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइनोवियल कैप्सूल। एंड साइनोवियल मैम्ब्रेन सेक्रीट्स साइनोवियल फ्लूड। यहाँ पे जो आपको साइनोवियल मैम्ब्रेन दिख रही है, ये साइनोवियल मैम्ब्रेन एक फ्लूड को रिलीज करती है और उस फ्लूड का नाम है साइनोवियल फ्लूड। साइनोवियल फ्लूड जो कि क्लियर होता है, थोड़ा सा विस्कस होता है, स्ट्रॉ कलर होता है, थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं येलोइश कलर, लिम्फ की तरह होता है, सिमिलर है। इट इज विस्कस ड्यू टू हाइलुरिक एसिड। ये विस्कस यानी कि थोड़ा सा गाढ़ा क्यों होता है, क्योंकि इसमें प्रेजेंस होती है हाइलुरोनिक एसिड। फ्लूइड में क्या क्या प्रेजेंट होता है? न्यूट्रिशन होता है, म्यूकस होता है, फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं जो माइक्रोब्स को रिमूव करते हैं। साइनोवियल फ्लूइड क्या करता है? जॉइंट्स में ल्यूब्रिकेशन, ल्यूब्रिकेशन थोड़ा सा स्लिपरीनेस प्रेजेंट प्रोवाइड करता है, जो कि शॉक को एब्जॉर्ब करती है, हेलियन कार्टिलेज को नरिश करते हैं, और जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं हाइलाइट कार्टिलेज सेल्स में उसको रिमूव करने का भी काम करते हैं। यहीं पर बात करें फेगोसाइटिक सेल्स, जो कि हमारे बॉडी में जितने भी माइक्रोब्स एंटर हो जाते हैं जॉइंट में उनको डिस्ट्रॉय करने का काम है। एंड सेलुलर डेब्रिस फॉर्म बाय वियर एंड टियर ऑफ द, यहां पे जो सेलुलर डेब्रिस है वियर एंड टियर जॉइंट से फॉर्म होते हैं। क्लियर? इफ द जॉइंट इज मूवेबल For a while, the synovial fluid becomes viscous and as joint movement starts and it becomes less viscous. जब हमारा joint immobile हो जाता है, यहाँ पे जो हमारा synovial joint है, ये अभी immobile हो गया, immobile हो गया है, हम उसमें कोई भी movement नहीं कर रहे, बैठे हुए शांति से, तो जो synovial fluid present होता है, इसके अंदर वो कैसा हो जाता है? Viscous हो जाता है, viscous समझते हैं, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, और जैसे ही हम लोग अपने उस joint में movement start कर देंगे, वो दोबारा से less कस हो जाएगा, थोड़ा सा पतला हो जाएगा। The joint is provided with capsular ligament and numerous accessory ligament. इन joint में बहुत सारे ligaments के cells और ligaments tissues present रहते हैं। The fibrous capsule is attached to peristome of articulating और इसमें जो fibrous capsule है वो इस bones के periosteum जो corner वाले position से attached रहते हैं। The ligament help in avoiding dislocation of joint. लिगामेंट क्यों प्रेजेंट होते हैं, ये भी समझ लीजिए, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जॉइंट्स पे लिगामेंट की प्रेजेंस क्यों होती है, ताकि जो हमारे जॉइंट है अपनी जगह से डिसलोकेट ना हो। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे साइनोवियल जॉइंट्स के टाइप्स को पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है हमारा पाइवोट जॉइंट। साइनोवियल टाइप का पहला टाइप पाइवोट जॉइंट है। राउंडेड होता है, पॉइंटेड सरफेस होता है, यहाँ पे जो एक बोन है दूसरे उनके रिंग शेप में पार्शियली इन्वर्ट हो जाती है, यानी कि एंटर हो जाती है, पूरी नहीं होती है, पार्शियली एंटर होती है। रोटेशन ओनली अराउंड इट्स ओन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इज पॉसिबल। यहाँ पे इसका रोटेशन है सिर्फ और सिर्फ उसके एक्सिस पर पॉसिबल है, जैसे कि आपका एटलस, एक्सिस, वर्टिब्रे, हेड टू साइड फॉर्म जॉइंट। जैसे हमारा हेड है, ये सिर्फ राउंड शेप में ही जल जल मूव कर सकता है अपने एक्सिस में। मैं ये कहूँ कि मैं कहीं और डायरेक्शन में मूव करवा दूँ, मैं नहीं करवा सकती, बस ये अपने जो राउंड शेप में होता है वहीं पर ये क्या करेगा। एक होता है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इसमें क्या होता है कि जो दो बोन एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, एक बोन सॉकेट बनाती है, दूसरा बोन बॉल की शेप बनाता है, उस सॉकेट के अंदर एंड हो जाता है। बॉल लाइक सरफेस ऑफ वन बोन फिट्स इनटू कप लाइक डिप्रेशन ऑफ अनदर जॉइंट फॉर्मिंग मूवेबल। पहली बात, ये मूवेबल जॉइंट है, और इसमें क्या होता है कि एक बोन यहाँ पर बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है और दूसरे का इस तरीके से कप लाइक शेप होती है, उसमें ऐड हो जाता है, ये मूवेबल जॉइंट है। मल्टी एक्शियल मूवमेंट आर पॉसिबल, इसमें मल्टी एक्शियल मूवमेंट है जो पॉसिबल होते हैं। दिस टाइप ऑफ जॉइंट अलाउज movements along all three axes and all direction. ये इसमें इस joint में जो movement है हमारे तीनों axes और all direction में allowed होता है, like shoulder and hip joint. Shoulder में देखिए आप किसी direction में movement कर सकते हैं, same as it is hip joint. के बाद आता है next यहाँ पर hinge joint. In a hinge joint, convex surface of one bone fits into concave surface of another. इसमें क्या होता है कि इसमें एक बोन का सरफेस कॉन्वेक्स होता है, दूसरे बोन का सरफेस कॉनकेव होता है, और दोनों
दोनों एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, कनेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं। इन मोस्ट ऑफ इन जॉइंट्स वन बोन रिमेंस स्टेशनरी एंड अदर बोन। इस कंडीशन में इन जॉइंट में क्या है, जो एक बोन है वो तो पूरी तरीके से मूव करेगी, दूसरी फिक्स्ड रहती है, स्टेशनरी है। एंगुलर ओपनिंग एंड क्लोजिंग मोशन लाइक दैट ऑफ अ हिंज इज पॉसिबल, यानी कि इस तरीके से खोलना बंद करना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग मोशंस इन जॉइंट में पॉसिबल है। इन दिस जॉइंट ओनली मोनोएक्सियल मूवमेंट टेक्स प्लेस लाइक फ्लेक्सियन एंड एक्सटेंशन। इस जॉइंट में सिर्फ मोनोएक्सियल मूवमेंट है, मोनोएक्सियल मतलब कि एक ही पार्ट बोन का मूवमेंट कर सकता है, चाहे वो फ्लेक्सिबल हो चाहे फिर वो एक्सटेंशन वाला हो, जैसे कि आपका एल्बो या फिर नी जॉइंट। अब देखो एल्बो में ये मूव कर सकते हैं, ऊपर वाला तो मूव कर नहीं सकते। नी जॉइंट में आप नीचे वाला हिस्सा अपना मूवमेंट कर सकते हो लेकिन फेमर वाला नहीं कर सकते। होता है नेक्स्ट आता है यहाँ पर कॉन्डलॉइड जॉइंट। कॉन्डलॉइड जॉइंट इट इज एन एलिप्सॉइड जॉइंट, ये एक एलिप्सॉइड जॉइंट होता है। द कॉन्वेक्स ओवल शेप्ड प्रोजेक्शन of one bone fix into oval shaped depression in another bone. यहाँ पर क्या होता है कि एक बोन का जो सरफेस होगा वो तो कॉन्वेक्स होगा, कॉन्वेक्स ओवल होगा, दूसरे का ओवल शेप्ड होगा। ओवल शेप मतलब समझ लीजिए ऐसे ही होगा ओवल शेप, और दूसरे का कैसा होगा कॉन्वेक्स ओवल शेप, और वो एक दूसरे से फिक्स हो जाएंगे। इट इज अ बाईएक्सियल जॉइंट बिकॉज इट परमिट्स मूवमेंट अलोंग टू एक्सिस। ये बाईएक्सियल मूवमेंट है क्योंकि इसमें जो दोनों बोन्स हैं वो हमारी मूवमेंट कर सकती हैं, चाहे फ्लेक्सियन हो, एक्सटेंशन हो, चाहे एडिक्शन हो। इसके अलावा एडिक्शन सर्कमसेंशन इज पॉसिबल। एग्जांपल है मेटाकार्पोफेगल जॉइंट, मेटाकार्पियल फेगल। यहाँ पे देखिए इसमें जो भी बोन है, मैं फिंगर की भी मूव कर रही हूँ, मैं अपना इस मुट्ठी की जो पाम है उसको मूव कर रही हूँ। कॉन्ड्राइल जॉइंट है, क्या कर रहा है इसमें मेरे जितने भी मेरे दोनों साइड की बोन्स हैं वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर ग्लाइडिंग जॉइंट। अब प्लैनर जॉइंट वेयर आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ बोन्स आर फ्लैट और स्लाइटली कर्व। यहाँ पर जो दोनों बोन्स के जो सरफेस है कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं, ये भी फ्लैट होगा, ये भी फ्लैट होगा। एंड दीस जॉइंट आर नॉन एक्सियल बिकॉज मोशन दे अलाउ डस नॉट अकर अलोंग एन एक्सिस ऑर अ प्लेन। यहाँ पर ये जॉइंट्स नॉन एक्सियल है, दैट मींस कि जो मोशन होगा, जो मूवमेंट होगा, इनके दोनों तरफ नहीं होगा, जैसे कि इंटरकार्पे और इंटरस्ट्रेटल जॉइंट। यहाँ पर देखिए आप ये वाला ले लो, यहाँ पर जो मूवमेंट है इसके एक्सिस पर नहीं हो रहा है, ना ही इसके प्लेन पर हो रहा है, इंटरकार्पे और इंटरस्ट्रेटल जॉइंट। इसके बाद आता है यहाँ पर सैडल जॉइंट। नेक्स्ट है सैडल जॉइंट। दिस जॉइंट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमो सेपियंस। ये जो जॉइंट है एक तरीके से ह्यूमंस की स्पीसीज का एक टाइप से कैरेक्टर है कि जिस किसी भी ह्यूमन स्पीसीज में ये जॉइंट प्रेजेंट होगा डेफिनेटली वो हमारे ह्यूमंस है। हियर आर्टिकुलर सरफेस ऑफ वन बोन इज सैडल शेप एंड दैट ऑफ अदर बोन फिक्स्ड इनटू द सच सैडल इन द सिटिंग राइडर। यहाँ पर जो एक बोन का सरफेस होता है वो सैडल शेप का होता है, इस तरीके से सैडल शेप का होता है, और जो दूसरी बोन है वो इस तरीके से फिट हो जाती है। राइडर है, सिटिंग राइडर, जैसे आप बैठ जाते हैं चेयर पे बैठ गए तो चेयर का जो स्ट्रक्चर है वो सैडल मान लो, और जो हम बैठे हुए हैं वो सैडल एज अ सिटिंग राइडर। ईच बोन हैज बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स एरिया। एक का एरिया कॉनकेव शेप में होता है, एक का कॉन्वेक्स शेप में होता है। इट इज अ मॉडिफाइड कॉन्डलाइट जॉइंट इन विच मूवमेंट इज समवॉट। एक तरीके से कॉन्डलाइट जॉइंट का मॉडिफाइड है, मतलब जो कॉन्डलाइट जॉइंट होते हैं ना इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो गया है। कॉन्डलाइट जॉइंट थोड़ा सा मूवमेंट नहीं शो करते, ये उससे थोड़ा सा ज्यादा मूवमेंट शो करता है। बाईएक्सियल जॉइंट है, बाईएक्सियल जॉइंट का मतलब मैं जो दोनों जॉइंट है दोनों बोन्स जो है वो मूवमेंट शो करेगी, फ्लेक्सन, एक्सटेंशन, एब्डक्शन, एडक्शन एंड सर्कमडक्शन। एग्जांपल में आपका कार्पो मेटाकार्पियल जॉइंट बिटवीन ट्रेपेजियम कार्पेल और मेटाकार्पेल थंब, ये वाला जो होता है नीचे वाला होगा ट्रेपेजियम कार्पेल, ऊपर होगा मेटाकार्पेल, ये इसको हम बोलते हैं कार्पो मेटाकार्पियल जॉइंट। यहां पे देखो इस तरीके से मैं क्या कर रही हूं, मूवमेंट कर रही हूं, और दोनों तरफ मूवमेंट हो रहा है, ऐसा नहीं कि एक तरफ मूवमेंट हो रहा है।
ये होता है हम लोगों का सैडल। क्लियर, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहीं से आप लोगों का जो जॉइंट वाला पार्ट था वो यहाँ पर फिनिश होगा। मैंने आप लोगों को स्केलेटन बता दिए और इसके अलावा मूवमेंट्स पढ़ लिए और जॉइंट्स भी पढ़ लिए। अब हम लोग जो अपना नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे वो होगा हम लोगों का डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू मसल्स। मसल्स भी हमारे स्केलेटन के थ्रू ही मूव करती है, प्लस जो भी चीजें होती है वो भी हमारे स्केलेटन और जॉइंट्स की वजह से होती है। तो अब हम लोग जो इसमें पढ़ने वाले हैं वो है आप लोगों का डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू मसल्स। देखिए आजकल के प्रेजेंट टाइमिंग पर लाइफ स्टाइल को देखते हुए हमारे मसल्स हमारी बॉडी में बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं जो अराइज हो रहे हैं, उन्हीं डिसऑर्डर्स को हम लोग पढ़ना है। एक जैसे मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये थोड़ा सा कॉमन है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इट इज अ ग्रेजुअल वेस्टिंग डिजीज अफेक्टिंग वेरियस ग्रुप्स ऑफ मसल। ये एक तरीके से वेस्टिंग डिजीज है जो एक नहीं बल्कि बहुत सारे मसल्स के ग्रुप को अफेक्ट करती है और ये इनहेरिटेड है। इनहेरिटेड मतलब तरीके से जेनेटिक है। अगर किसी को फैमिली में है तो ऑब्वियस ये बात है कि बच्चों में ही जानी जानी है। यूजुअली वॉलेंट्री स्केलेटन मसल्स आर वीकेंड वेयर इंटरनल मसल्स सच एज डायफ्राम आर नॉट अफेक्टेड। कंडीशन में क्या होता है कि जो वॉलेंट्री स्केलेटन मसल्स है बहुत ज्यादा वीक हो जाती है और सबसे ज्यादा जो हमारा वर्क होता है वो स्केलेटल मसल्स का ही होता है। ये चीज तो आप जानते हैं। बाकी ये जो हम लोगों की इंटरनल मसल्स है लाइक अ डायफ्राम और इनवॉलंटरी है उन पे इफेक्ट नहीं होता है। ड्यूकिन टाइप यूजुअली अकर्स इन बॉयज अफेक्टिंग लोअर लिम। बॉयज में बात करें तो बॉयज में लोअर लिम्स अफेक्टेड होते हैं, इसको बोलते हैं ड्यूकिन। लिम्ब ग्रिडल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी अफेक्ट्स द मसल्स ऑफ शोल्डर्स और हिप्स एंड यूजुअली स्टार्ट इन एडल्ट्स ऑफ 20 टू 35 ईयर्स। इसके अलावा यहाँ पे जो लिम्ब ग्रिडल होता है मस्कुलर डायस्ट्रोफी है जो कि हमारे शोल्डर्स और हिप्स में जो ग्रिडल का जॉइंट्स होते हैं और वहां पर जो मसल्स की प्रेजेंस होती है उसको वीक कर देती है। और ये जो होते हैं जब एडल्ट 20 से 35 ईयर्स की एज में होते हैं तब स्टार्ट हो जाते हैं। देयर इज नो ट्रीटमेंट अपीयर टू क्योर द डिजीज और इसके लिए अभी कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं। बस यही है कि अगर आप अपने अच्छे से सब कुछ खाते हैं पीते हैं अपना ख्याल रखते हैं न्यूट्रिशन वगैरह का ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं ताकि आपकी मसल स्ट्रांग हो जाए तो ये ठीक हो भी सकते हैं, अदरवाइज इसका कोई भी क्योर नहीं। ओके, और इस तरीके से अभी बहुत सारे हैं, बोन से भी रिलेटेड आएंगे आप लोगों के, मसल से भी रिलेटेड आएंगे, पढ़ेंगे वही जो कॉमन है प्लस जो आपके सिलेबस में है। वैसे तो बहुत सारे हैं, पता नहीं वो चीज हमें नहीं पढ़नी है। उसके बाद हम लोगों का माइस्थेनिया ग्रेविस आएगा, माइस्थेनिया ग्रेविस वाला को भी हम लोग मतलब आगे सेशन से कंटिन्यू करेंगे। ओके, अच्छा है, यहाँ तक क्लियर होगा चीजों का। और जैसा कि मैंने आपसे कहा है रिवाइज करिए, सारे जितने भी आप लोगों के बोन्स और जॉइंट्स के नाम है उनको याद करिए, तभी ये चैप्टर आपको अच्छे तरीके से आएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट सेशन से मिलते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर को, फिश करेंगे जल्दी फिनिश हो जाए, उसके बाद आपका जो 11th का सिलेबस है वो फिनिश ही हो जाए। ओके स्टूडेंट, चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू टू ऑल।